तो यूपी उपचुनाव से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। उपचुनाव पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने बैठक की है। बैठक में मंत्रियों की जिम्मेदारी तय की गई है। प्रभारी मंत्रियों से बोले सीएम योगी, जीतेंगे सभी 9 सीटें। तो इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है यूपी उपचुनाव से, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ ने बैठक ली। बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा भी किया गया। उपचुनाव पर सीएम योगी आदित्यनाथ की बैठक। सीएम योगी ने कहा कि जीतेंगे सभी 9 सीटें, जरूरी है लोगों से संवाद और बूथ प्रबंधन, जनता का विश्वास जीतना प्राथमिकता है। तो योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर से जीत का मंत्र दिया है, जरूरी है लोगों से संवाद और बूथ का प्रबंधन। तो लगातार जनता का विश्वास जीतना प्राथमिकता। तो हमारे साथ हमारे सहयोगी रमन मिश्रा लखनऊ से जुड़ चुके हैं। रमन, आज उपचुनाव को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ की बैठक थी, क्या कुछ इस बैठक में खास रहा? उत्तर प्रदेश की जिन विधानसभा की सीटों पर उपचुनाव होने वाला है, उसकी कमान जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संभाल रखी है। और नामांकन शुरू होने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज अपने आवास पर सुपर 30 की बैठक बुलाई थी, यानी कि जो 30 प्रभारी मंत्री हैं उत्तर प्रदेश में, विभिन्न विभिन्न जिलों के प्रभारी बनाए गए हैं, उनके साथ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बैठक की और जो चुनाव के रणनीति पर चर्चा की गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खासकर उन मंत्रियों से चर्चा की जिन्हें जो उन सीटों के प्रभारी बनाए गए हैं जिन पर चुनाव होना है। उन्होंने वहां के उन आवेदकों के पर चर्चा की जिन जो चुनाव में चुनाव लड़ने के इच्छुक हैं, और साथ ही किस जातीय समीकरण से, किस क्षेत्रीय इशू से, कौन सी सीट पर कैसे भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलाया जा सकता है, इसको लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रिपोर्ट देखी सबकी। और उसके बाद में सबको चुनाव में अच्छे से प्रचार करने, अच्छे से जो भी विकास के मुद्दों पर प्रचार करने का उन्हें सलाह दी, और चुनाव को हर हाल में जीतने का उनको संकल्प भी दिलाया। क्योंकि जिस तरीके से 2024 में लोग भाजपा को बड़ा झटका लगा था, ऐसे में उपचुनाव में जीत कर भारतीय जनता पार्टी और खासकर योगी आदित्यनाथ, बैठकों का दौर जारी है। और खास जो बैठक हुई थी रमन, उसमें मंत्रियों की जिम्मेदारी भी तय की गई है। किन किन मंत्रियों की कौन कौन सी जिम्मेदारी सौंपी गई है? अभी किसी मंत्री की खास आज के बैठक में जिम्मेदारी नहीं सौंपी गई है, बल्कि जो भी प्रभारी मंत्री बनाए गए थे चुनाव के, जैसे कि मिल्कीपुर और कटहरी के खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रभारी थे, कुंदूर के सीसामऊ जो सीट थी वहाँ के प्रभारी डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक थे, फूलपुर के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य थे, और करहल के जय मंत्री जो है पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह थे। इन्हीं मंत्रियों पर अभी भी विश्वास दिखाया गया है, और यही लोग इन्हीं लोगों के प्रभार में ही चुनाव लड़ने का जो है वो भी माना जा रहा है कि यही लोग प्रभारी रहेंगे उन सीटों के। बिल्कुल रमन, ऐसे में प्रभारी मंत्रियों की जिम्मेदारी भी उन्हें सौंप दी गई है। क्या कुछ निर्देश मंत्रियों को दिया गया है इस बैठक में? मंत्रियों को निर्देश दिया गया है कि जो भी सरकार की योजनाएं हैं, पिछले 7.5 साल की जो योगी सरकार की योजनाएं हैं, और लगभग 10.5 साल की जो नरेंद्र मोदी यानी केंद्र सरकार की योजनाएं हैं, उसे लेकर जनता के बीच में जाए। मोदी सरकार के और योगी सरकार के वो फैसले जो किसी विशेष जाति या विशेष क्षेत्र को जिसने प्रभावित किया हो, कोई ऐसा कानून आया हो जिससे किसी जाति की बदहाली खत्म होकर कोई तस्वीर बदली हो, उन सबको जनता के बीच में जाकर समझाना कि आपके लिए योगी सरकार और मोदी सरकार काफ़ी हितैषी है, और अगर आप भाजपा को जिताएंगे तो आगे भी सभी समाज के लिए काम होगा और क्षेत्र के लिए काम होगा। ऐसे ही मंत्रियों को बताया गया है कि आप क्षेत्र में जाइए और जनता को ऐसे ही प्रभावित करिए। बिल्कुल, ये भी कहा जा रहा है कि उपचुनाव को लेकर व्यापक विचार विमर्श किया गया है, कई रणनीति बनाई गई है। क्या कुछ रणनीति इस बार, क्योंकि ये उपचुनाव बीजेपी के लिए साख और नाक का सवाल है, क्या कुछ बीजेपी रणनीति बनाती हुई नजर आ रही है? बिल्कुल, विचार विमर्श तो एकदम से लाजमी है, क्योंकि 2024 के बाद और 2027 के पहले का ये सेमीफाइनल माना जा रहा है, और इस यहाँ की सीटों को लेकर दिल्ली में मंथन हुआ है। वहाँ पे गृह मंत्री अमित शाह, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के
के सामने जो यूपी की टीम थी, प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, संगठन मंत्री धर्मपाल, ये लोग, इन लोगों ने वहाँ पर रिपोर्ट पेश की। अब प्रदेश स्तर पर बैठकों का दौर जारी है, विचार विमर्श हो रहा है और लगभग माना जा रहा है कि 22 अक्टूबर से पहले दिल्ली में एक दिन और बड़ा वहाँ पे मंथन हो सकता है कि दिल्ली आला कमान के सामने जो प्रदेश का आला कमान है वो अपनी राय रखेगा और उसके बाद में प्रत्याशियों पर फैसला सामने आएगा। बहुत शुक्रिया रमन। ऐसे में लगातार चर्चाओं का दौर जारी है, मंथन किया जा रहा है। अब यूपी उपचुनाव को लेकर लगातार मंथन किया जा रहा है। बीजेपी जल्द ही लिस्ट गहन चिंतन मंथन के बाद जारी कर सकती है। तो उपचुनाव महज उपचुनाव नहीं है,